कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, आज हम एक मंदिर में आए हैं जो कि शाहबाद के पास घुमटी गांव में स्थित है, जहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मंदिर में आने जाने के लिए भक्तों की तैयारी चल रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मंदिर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। दोस्तों, आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लगभग यहाँ पर 2100 यज्ञ होंगे, जिन पर करोड़ों के हिसाब से आहुतियाँ डाली जाएंगी। और दोस्तों, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो पहुँच रहे हैं, और अभी तो यहाँ पर देखिए इसकी ओपनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं ये देखिए। और सभी प्रकार के गायक सिंगर जिन्होंने महाभारत में श्री कृष्ण का रोल किया था, भारद्वाज जी, और जिन्होंने रामायण में राम लक्ष्मण सीता का रोल किया था, वो सभी यहाँ पर पधारेंगे। आप लोग देख सकते हो सामने है, अभी यहाँ पर तैयारी चल रही है। और देखिए यहाँ पर अभी देखिए, सिर्फ पंडितों का जाना ही अंदर अनिवार्य है, बाकी सबको जवाब दे रहे हैं देखिए, क्योंकि दोस्तों अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई, 12 तारीख से इसकी शुरुआत हो जाएगी। यह शाहबाद के पास बिल्कुल है, जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है, गुमटी गांव। आप लोग देख सकते हो जो ये दृश्य है सामने, देखिए हवन कुंड बनाए गए हैं सामने। और दोस्तों, इसमें सिर्फ अभी पंडित ही जा सकते हैं, क्योंकि अंदर पंडितों को उनके वस्त्र वगैरह दिए जा रहे हैं, बाहर के लोगों को अंदर जाना मना है। जो भी पंडित यहाँ पे बुलाए गए हैं सब बाहर से हैं, अदर स्टेट से। थोड़ा और आगे चलते हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है लगभग 60 एकड़ में किया गया है। आप ऊपर देख सकते हो, लाइटिंग का प्रबंध अभी कर रहे हैं लड़के। और आज 9 फरवरी है, लगभग 12 फरवरी के आसपास ये कार्यक्रम शुरुआत हो जाएगी। देखिए आप लोग देख सकते हो माता के मंदिर को कितने अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है ये देखिए दोस्तों। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, देखिए इधर भी जो नीचे बिछाया गया है उस पर जाने से, चप्पल लेकर जाने से लोगों को मनाही कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। और अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे दरवाजे से अंदर गए, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्रशासन की गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं। और इधर देखिए आप लोग देख सकते हो कारपेट, कितने घास वाला कारपेट कितने अच्छे तरीके से बिछाया गया है। और यहाँ पर गमले ही गमले फूलों के आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी संख्या में रखे गए हैं। इन सभी को यहाँ के सजावट में प्रयोग में लाया जाएगा। विधायक जी की गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी ही हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोगों को मैं और दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो भी अभी बनाना इतना बनाने नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि जब शुरू हो जाएगा उसके बाद ही वीडियो बनाना, लेकिन हम चुपचाप वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर क्या है। अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा भी समय है तो आप एक बार मंदिर दर्शन के लिए ज़रूर आएं दोस्तों। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर लंगर का भी विशेष प्रबंध किया गया है। देखिए यहाँ पर कारपेट बिछाया जा रहा है, जैसे यहाँ पर कारपेट बिछाया बेच जाएगा उसके बाद चप्पल लेके अंदर आना बिल्कुल मना कर देंगे ये लोग, जो कि आप लोग देख सकते हो इतने अच्छे तरीके से फुहारा चल रहा है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी अखबार में या न्यूज़ में आ रहा है उसमें सिर्फ 40 एकड़ ही दिखाया गया है, लेकिन 60 एकड़ से ऊपर है जो यहाँ पर ये प्रोग्राम है दोस्तों। उसके बाद देखिए हम सामने भंडारे में आ चुके हैं, जहाँ पर लंगर चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। देखिए हमने लंगर ले लिया है, जहाँ पर सूखी सब्जी, राजमा, चावल, रोटी, पानी, चावल सब है। उसके बाद देखिए वापस आते टाइम हमने देखा जो रास्ते में पंडित दुकानदार जा रहे थे, वहाँ से पंडित वापस आ रहे हैं। देखिए उनको उनको सामान दे दिया गया है, इनके वस्त्र वगैरह अभी ये सोने के लिए जा रहे हैं। टाइम लगभग 8:30 हो चुके हैं रात के। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो कैसी लगी? जब ये यहाँ पर शुरू हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।